कहते हैं कि नींव जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ही बुलंद होगी। सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां सिंगरौली जिले में शिक्षा की बेहतरी के लिए सरकार करोड़ों खर्च कर रही है। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद जिले में शिक्षा की गुणवत्ता जीरो है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ के शिक्षकों का खुद का अक्सर ज्ञान ही है। हालत इतने खराब है कि अधिकारी भी गुरु ज्ञान को सर्वनाक बता रहे हैं। कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा भविष्य की नींव होती है, लेकिन सिंगरौली जिले की यही नींव खोखली गुणवत्ताहीन तैयार हो रही है। आपको बता दें, सिंगरौली जिला आज भी निरक्षर और पिछड़े जिलों की गिनती में आता है। सरकार ने जिले को साक्षर बनाने का जिम्मा जिन शिक्षकों को मोटी तनख्वाह के साथ सौंपा है, आज हम उन्हीं के अक्सर ज्ञान को आपको रूबरू करवाने वाले हैं। सिंगरौली जिले में सरकारी स्कूलों की शिक्षा की हालत कितनी खराब है, यह जानने के लिए गहिलरा मिडिल स्कूलों का भ्रमण करके आप जान सकते हैं। गहिलरा के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स को जनरल नॉलेज भी नहीं है। वहीं कई छात्र ऐसे मिले जिनको आम अमरूद तक पढ़ना लिखना नहीं आता। मिडिल स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर इंग्लिश में महीनों और हफ्तों व दिनों का नाम तक नहीं लिख पाए। वहीं जब प्रधानाचार्य जवाहरलाल साहा से पूछा गया कि कलेक्टेट की स्पेलिंग क्या है, तो हकलाने के साथ बाल खुजलाने लगे। वहीं कलेक्टेट व नॉलेज इंग्लिश में लिखने के लिए कहा गया तो बोर्ड पर कुछ और ही लिख दिया। पढ़ाने वाले गुरु की हालत यह है तो बच्चे कितने स्तर पर जाएंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कलेक्टर की स्पेलिंग आप लिखो, स्तर बताएंगे आपके। पूरे बच्चे जिनने जी मैंने पूछा भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, सिंगरौली के कलेक्टर का नाम। सर आप क्या ये सही लिखे हैं? मंत्री का नाम ये क्या सही लिखे हैं? भारत के मंत्री का नाम सर। लिखें सर अपने नॉलेज से आप। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक।